हाउ टू क्रिएट ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट इन कंप्यूटर यूजिंग क्रोम वेब ब्राउज़र। आज की इस वीडियो में हम अपने लैपटॉप या पीसी में क्रोम ब्राउज़र में ट्रस्ट वॉलेट का एक मुकम्मल सेटअप करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से हम ट्रस्ट वॉलेट की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं और एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर आपने ट्रस्ट वॉलेट सर्च करना है। ट्रस्ट वॉलेट सर्च करने के बाद trustwallet.com जो इसकी वेबसाइट होगी, आपने इसे ओपन करना है। ट्रस्ट वॉलेट की वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगी। तो यहाँ पर ऊपर आपको डाउनलोड एक्सटेंशन का एक बटन रहेगा, आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने क्रोम के ऊपर क्लिक करना है, तो क्रोम का जो वेब स्टोर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने ऐड टू क्रोम करना है। ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो ट्रस्ट वॉलेट की जो एक्सटेंशन होगी वो आपके क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाएगी। क्रोम ब्राउज़र में ट्रस्ट वॉलेट की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। अब आपने क्या करना है कि आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपने क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने पासवर्ड टाइप करना है। कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड टाइप करें, जैसे कि स्मॉल और कैपिटल वर्ड, कुछ नंबर या स्पेशल करेक्टर। इसके बाद आपने नीचे चेक मार्क लगाना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक नई विंडो ओपन होगी, नो थैंक्स कर दे, और यहाँ से आपने ओपन वॉलेट पर क्लिक करना है। तो ट्रस्ट वॉलेट का जो फर्स्ट इंटरफेस होगा वो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। सबसे ज़रूरी पार्ट ये है इस वीडियो का कि आपने यहाँ पर वॉलेट के जो सीक्रेट फ्रेज हैं उन्हें आपने किसी पेपर पर लिख लेना है। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आपने शो बटन पर क्लिक करना है, वॉलेट का जो पासवर्ड है वो टाइप करें, और इसके बाद आपने यहाँ से सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो वॉलेट के जो सीक्रेट फ्रेज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आपने इन्हें किसी पेपर पर लिख लेना है। स्क्रीनशॉट ना लें तो बेहतर है, क्योंकि स्क्रीनशॉट वगैरह जो डिलीट हो जाते हैं और बाद में आप इसी सीक्रेट फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए अपने वॉलेट को भी रिकवर कर सकेंगे, और उस वॉलेट में जितना भी फंड होगा आप इन सीक्रेट फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए वॉलेट और फंड दोनों को रिकवर कर सकेंगे। तो इसलिए आपने इन्हें किसी पेपर पर लाजमी लिख लेना है। इसके बाद आपने प्रोसीड करना है, और यहाँ पर जितने भी वर्ड्स होंगे 1 से 12 तक, आप उन्हें एक तरतीब के साथ यहाँ पर उनके ऊपर क्लिक करते जाएं, और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करेंगे तो वॉलेट आपके सामने क्रिएट होकर आ जाएगा। इसकी कुछ सेटिंग वाले देख लेते हैं, जैसे कि नेटवर्क है एथेरियम, पॉलीगो, स्मार्ट चेन, जो भी नेटवर्क सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको और डेवलपर सेटिंग ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑप्शन वगैरह हैं यहाँ से आप इन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा डेवलपर ऑप्शन को मैं यहाँ से फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। इसके बाद नीचे ब्लॉक्ड डैप्स वगैरह हैं, इन्हें भी फ़िलहाल रहने देते हैं। इसके बाद व्यू सीक्रेट फ्रेज हैं, अगर आपने सीक्रेट फ्रेज नहीं लिखे हुए तो आप यहाँ से भी सीक्रेट फ्रेज को दोबारा लिख सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। थीम है, डार्क है या लाइट है, जो भी थीम रखना चाहते हैं आप यहां से रख सकते हैं। इसके बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट वॉलेट है, अगर यहां से डिफ़ॉल्ट वॉलेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां से इस बटन को आप ऑन कर दें। इसके अलावा यहां से लॉक ऑप्शन है, लॉक करेंगे तो आपका ट्रस्ट वॉलेट लॉक हो जाएगा। दोबारा आप ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड टाइप करेंगे और यहाँ से अनलॉक करेंगे तो आपका ट्रस्ट वॉलेट दोबारा यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी डिपॉजिट विड्रॉ की वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। अर्न का ऑप्शन है, इसे फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आपने रिसीव करनी है तो यहाँ पर आप वॉलेट एड्रेस कॉपी करके क्रिप्टो करेंसीज को रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, क्रोम ब्राउज़र में या किसी भी ब्राउज़र में करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।